ऐसा बहुत दिनों के बाद लग रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये दोनों छोड़ नहीं रहे हैं मुझे। ये हमारा कितना प्यारे बच्चे हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गाइस आपने हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, शादी का ब्लॉग था, बहुत अच्छा ब्लॉग मैंने बनाया। हालांकि मैं पूरी शादी का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि जयमाला के बाद हम खाना खा के अपने होटल वापस आ गए थे, काफ़ी लेट भी हो गया था दोस्तों। तो ब्लॉग को काफ़ी सारा प्यार दीजिए। और अभी सुबह हो गई है दोस्तों, नहा धो के रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज हमारा वापसी है, रिटर्न है। तो आज हम आपको वापसी का ब्लॉग बना के दिखाएंगे, देखते हैं आज डेली लाइफ में क्या क्या हो सकता है। और ये देखिए बाहर का बहुत मस्त नज़ारा आ रहा है, मौसम बहुत सही लग रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, लगता है बारिश हुई है। ये देखिए निकल चुके हैं अब। पूरा खेती खेती कोसी रिवर है। ये कोसी रिवर, ये कोई तो रिवर गंगा जी है ना, हाँ कोइलवर वाला। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, कैब में बैठ गए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे भी किट्टू और ऋतु दोनों से मिलना है और दोनों से मैं पूरे 5 दिन के बाद मिल रहा हूं गाइस। मेरे बच्चे मेरे बिना बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए मैं उनसे मिलूँगा और आपको भी मिलाऊँगा गाइस। 5 दिन का सफ़र ख़त्म हो गया, अब बैक टू वर्क। अब चलते हैं, उनसे मिलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है आज डेली लाइफ में। कितने दिनों बाद मिले हैं? मैंने कुल्ला करा दी। तो गाइस आके खाना पीना खा के मैं आराम करने लगा था, बहुत थक गया था, बहुत टायर्ड हो गया था और किट्टू के साथ अच्छे से नहीं खेल पाया था। और ये देखिए किट्टू सो के उठ के आई है अभी मेरे पास खेलने के लिए। किट्टू से मैं 5 दिन के बाद मिल रहा हूँ, है ना किट्टू? हाँ देखिए, ऋतु से भी मैं 5 दिन के बाद मिल रहा हूँ गाइस। बहुत मिस कर रहा था मैं इनको और ये मुझे बहुत मिस कर रहे थे, है ना? दो बच्चे हाँ, ये भी मिस कर रही थी, ब्यूटी भी मिस कर रही थी। पापा को आप कर रहे थे ना रोज वीडियो कॉलिंग करते थे ना, सोती ही थी इस आधा पेड़ी सुबह में पापा आएंगे, है ना बेटा? पापा आ गए ना, पापा को कैरी कौन किया, कैरी कौन करेगा? मेरे को लगा कि पा जाओगे। तो गाइस घर आके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है। और मैं मतलब इन लोगों से बहुत कम दूर रहता हूँ और ये लोग भी मतलब बहुत मिस कर रहे थे। तो फाइनली हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिन में आज को ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, बस ट्रेन से यहाँ आए, घर पे आके आराम करके हम लोग बस रिलैक्स कर रहे थे गाइस, थक बहुत ज़्यादा गया था। और आज खाने में बन रहा है मटन क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से मैंने नॉनवेज नहीं खाया है, तो आज तो मेरा मटन खाना एकदम मैंडेटरी है गाइस। बहुत दिन से मैं मटन को मिस कर रहा था। आइए आपको दिखाता हूँ मटन का एक झलक, ड्यूटी ने बहुत मस्त बनाया है। ये देखिए गाइस मटन करी, क्या ज़बरदस्त रंग दिख रहे हैं ड्यूटी, मुँह में तो पानी आ रहा है और खुशबू कितना अच्छा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। चलिए थोड़ा खा लेते हैं। हाँ चलिए। तो गाइस बहुत दिनों के बाद मटन की खुशबू सुन के इतना मजा आ रहा है, मतलब एकदम लग रहा है जैसे एकदम जल्दी से खा लो, लेकिन अभी थोड़ा समय है, थोड़ी देर में खाएंगे। हाँ बहुत स्वादिष्ट बना है, स्मेल से पता चल रहा है और आपको भी दिखाया मैंने, तो देखिए बताइएगा आपको कैसा लगा देख के, कलर ही देख के बता दीजिएगा गाइस। और ये देखिए गाइस किट्टू अपना सैंडल दिखा रही है, ये आपका है बेटा? तो कुछ छोटा दिख रहा है। हाँ आपके पापा कहाँ गए थे? अच्छा। तो गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सुनने को मिला है, ऋतु खुद से जापानीज़ लैंग्वेज सीख रही है। अब मुझे अभी ये नहीं पता ये क्यों सीख रही है, बट इसका इंटरेस्ट जगा है तो ये जापानीज़ लैंग्वेज सीख रही है। आप भी कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? नहीं, मेरे से तो नहीं हो पता। अभी होगा, आपसे भी होगा। तो गाइस जापानीज़ कुछ पता बताइए कुछ।
ये किसका क्या मतलब है? कोनिचीवा। हेलो। अच्छा, और क्या सीखा है आपने? मिज़ो दिस। ये क्या होता है? इट्स वाटर। वाटर को मिज़ो दिस बोलते हैं। तो गाइज मुझे नहीं पता क्या पर्पस है इसका सीखने का, बट ठीक है, इंटरेस्ट अगर जगा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ सीखने का है तो ये अप्रिशिएट करने के लिए, तो ऐसे ही मन लगा के सीखिए, ठीक है। तो गाइज जहाँ हम शादी में गए थे वहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन हमारे लिए जो व्यवस्था किया गया था बहुत ही औसम व्यवस्था किया गया था, लेकिन जब भी धूप में आने जाने का मौका मिलता था गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीना बहुत ज़्यादा होता था और रंग भी थोड़ा काला सा पड़ गया गाइज। अब धूप था तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। आपने हमारे ब्लॉग में देखा हम हनुमान मंदिर दर्शन करने को गए, आपको पटना जंक्शन दिखाया, आपको आरा दिखाया गाइज, तो आप उन सभी ब्लॉग को जाके अपना प्यार दीजिए। और ये देखिए बच्चे दोनों मेरे साथ एकदम लगे पड़े हैं और देख सकते हैं आपकी, हाँ ये मुझे जब से छोड़ ही नहीं रहे हैं, दोनों मेरे साथ लगे पड़े हैं। ये देखिए गाइस इसको जब जब मौका मिल रहा है ये आके मेरे गले लगने लग रही है, मुझे प्यार करने लग रही है, इसको लग रहा है मैं कितने दिनों के बाद इससे मिल रहा हूँ। मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग, है ना ऋतु? आपको भी लग रहा है ऐसा, बहुत दिनों के बाद लग रहे हैं? ये देखिए गाइस ये दोनों छोड़ नहीं रहे हैं मुझे, ये हमारा कितना प्यारे बच्चे है देखिए। तो गाइस मस्त खाना पीना हो गया है और मुझे बहुत बहुत मजा आया मटन खा के। और गाइस एक और चीज़ है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी ट्रेन में चल रहे हैं, थकावट थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो आज का ब्लॉग मैं यही पेंट करता हूँ गाइस, आशा करता हूँ कि हमारा आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, पसंद है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें देते रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।